उत्तर पूर्वी दिल्ली के विजय पार्क में स्थित श्री देव मंदिर धर्मशाला में क्षत्रिय समाज की ओर से श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा का आयोजन काफी मार्मिक तरीके से किया जा रहा है, जिसको आचार्य श्री बाल व्यास आलोक कृष्ण शास्त्री की मधुर वाणी से भक्ति में रस बरसाया जा रहा है। वहीं इस कथा का श्रवण करने दूर दूर से श्रोतागण आने लगे हैं। दूसरे दिन की भागवत कथा में व्यास जी महाराज जी के द्वारा की जा रही कथा का दूसरा दिन काफी भावुक रहा, जिसमें उन्होंने हंस और हंसनी की कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्रद्धालु भी भावुक हो गए। तीसरे दिन के लिए सभी भक्तों को भारी संख्या में आने का निमंत्रण भी दिया और क्या कुछ कहा व्यास जी महाराज ने, आप स्वयं सुनिए। जल था, जल का कुंड था, देखने में ऐसा लगता था थल है, जमीन है। दुर्योधन गया और चलता जा रहा था, अकस्मात उसका पैर उसमें गया, वो गिर गया और जैसे ही गिरा तो पांच चाली हंस के हंस गई, वो भी ताली बजा के। देखो अंधों के अंधे ही होते हैं और स्त्री का ये स्वभाव होता है, पल पल में हंस जाना, पल पल में खुश हो जाना, थोड़ी सी देर में बहुत क्रोध और थोड़ी देर में बिल्कुल शांत। और वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत ही हमारे क्षत्रिय राजपूत समाज में बड़ा हर्ष है, उल्लास है और बहुत ही भाव के साथ में ये अनुष्ठान करा रहे हैं। बहुत भव्य अनुष्ठान चल रहा है और बहुत ही सुंदर और उत्तम आज कथा रही। काफ़ी भीड़ भाड़ रही, काफ़ी लोगों ने बड़े उल्लास के साथ में आनंद लिया, भाग लिया। अब कल हमारी तृतीय दिवस की कथा है, उसमें हम प्रहलाद चरित्र है, वामन भगवान का अवतार है, अजामिल की कथा है, अनंत कथाओं का वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर चल रहा है, जितनी तारीफ की जाए क्षत्रिय राजपूत समाज की उतनी कम है। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे शर्म यदि ऐसी हमारे भक्तों में उल्लास रहा, उमंग रही, तो हमारा सनातन धर्म ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और हमारा भी विशेष ये ध्यान रहता है कि हमारे सनातन धर्म प्रेमी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हमारे धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा माने बढ़ाएँ। आज तो नौजवान पीढ़ी भी काफ़ी आगे है और नौजवान पीढ़ी भी काफ़ी लोग आए थे, इसी ध्यान रहता है। मैंने आज भी ये प्रकाश डाला था कि हमारी जो अवगुण हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको हम त्यागें और सद्मार्ग की ओर बढ़ें, अपने धर्म को पहचानें और अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें और अपने उज्जवल भविष्य की कामना रखते हुए श्रद्धालुओं को हमारी विशेष शुभकामना है कि हमारे ऐसे सनातन धर्म को बढ़ाएं और ऐसे जुड़ें, हमसे आएं और कथा को सुनें ताकि कुछ अमल करें। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। वहीं महिला शक्ति ने भी इस भागवत कथा में अपना अहम योगदान दिया और क्षत्रिय समाज के द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। बहुत बरस रहा है और बहुत अच्छी है, आलोक जी हैं जो हमारे व्यास जी हैं, बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं और बहुत अच्छा रस बरसा रहे हैं। जिस हिसाब से कथा चल रही है उस हिसाब से भारी भक्तों की भीड़ हो रही है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा संगत आ रही है प्रसाद के साथ, अपने अरदास के साथ। और हमें बहुत खुशी मिली है कि हमारी जमुना पार में हमारे भागवत हो रही है, काफ़ी आ रही है, बहुत महिलाएं आ रही है, बहुत महिलाओं का सहयोग है और सारे भक्तगण हैं हमारे, बहुत सहयोग दे रहे हैं। पहले मैं क्षत्रिय राजपूत समाज का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है और हमारे जो माननीय ओपी पवार जी हैं उन्होंने ये आयोजन किया है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से भारी भक्त आ रहे हैं मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से, और तेज निगाहों वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने यहाँ पर आके हमारा और उत्साह बढ़ाया है। यहाँ पर और भीड़, तेज निगाहों वालों ने आकर और यहाँ पर उत्साह बढ़ा दिया है और यहाँ पर भारी संख्या में और भीड़ हो रही है। अगर हमारे जैसे युवा यहाँ पर आते रहे तो आने वाली पीढ़ियाँ और भी अच्छी होंगी और जो है और युवाओं में उत्साह भी होगा। और जैसे हम भी आए हैं, मैं भी चाहती हूँ कि घरेलू महिलाएँ हैं और भी सारी लेडीज़ हैं वो भी यहाँ पर आके जो है कथा का लुत्फ़ उठाएँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ क्षत्रिय राजपूत की जो महिलाएँ हैं वो जो है आगे बढ़े, सबको प्रोत्साहन दें, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात हो रही है, जी भी बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें और हम तो कह रहे हैं ऐसा होता रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जितनी भी युवा अवस्था होती है, जो भी यंग जनरेशन है, वो लोग ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं, भक्ति पाठ वगैरह वो सब आजकल मतलब डिस्को वगैरह जाना या अच्छा यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि युवा अवस्था यहाँ पर भी आए, देखें कि कैसे क्या होता है, भागवत चल रही है, थोड़ा सा भगवान में भी ध्यान लगाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्षत्रिय राजपूत समाज का कि उन्होंने ये आयोजन रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आयोजन करके, मैं रोज आऊँगी और सुनूंगा। बड़ा आनंद आया भागवत कथा में, बहुत मनोरंजन हुआ, बहुत टाइम निकाल के आए हम, बहुत सुख और शांति मिली हमें, अच्छी लगी वो, हम सुन के खैर से आए।
अच्छी छत्री राजपूत मैम में कथा हो रही है, अच्छी लगी तो सुनने आए। ये छत्री समाज का आज हमें पता लगा तो हम सुन के आए और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं संत नगर बुराड़ी से कुसुम जाधव, मैं ये कहना चाहती हूँ इस काम के लिए मैं ओपी पवार साहब जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस समाज की मतलब एक तरह से नींव भी रखी समझो, है नहीं, इस समाज का क्षत्रिय राजपूत समाज का मतलब निर्माण किया है और वो भी भागवत कथा से शुरुआत की है। और भागवत कथा भी हमारे इतने अच्छे व्यास जी हैं जो वृंदावन के आए हुए हैं, बड़ी अच्छी भागवत सुना रहे हैं। मैं कहती हूँ भगवान उनका उनकी कथा का विस्तार इस तरह बढ़ता रहे। और जो हम लोग आजकल के कल्चर में ये सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन हम चीज़ों को ये चीज़ें भी हमें ध्यान देनी चाहिए, इसलिए भागवत होनी चाहिए। जिस तरीके से क्षत्रिय समाज द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा दिन प्रतिदिन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कथा में श्रद्धालुओं का आना भी बढ़ता जा रहा है। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।